So on second year chemistry chapter 9, carbon compounds with oxygen containing functional group. Today we are going to discuss the last one compound and the last one topic of chapter 9. And it is also the last lecture of organic chemistry second year. तो आज की क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास इस वजह से होने वाली है कि आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फाइनली ऑफिशियली जो है वो क्लोज करने वाले हैं इस कंप्लीट टॉपिक को, ठीक है। तो और एक आसान कंपाउंड के साथ, क्योंकि लास्ट लेक्चर है और इससे पहले न्यूमेरियस लेक्चर्स हम पहले ही कंडक्ट कर चुके हैं ऑर्गेनिक के, तो इट इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू नाउ जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मुश्किल बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं असल में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट कंपाउंड है या लास्ट फंक्शनल ग्रुप ऐसा जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ग्रुप मौजूद होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन एलिमेंट मौजूद होता है। तो इससे पहले हमने अल्कोहल्स को पढ़ा, उसमें होता है ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, ईथर्स में होते हैं ऑक्सीजन, एल्डिहाइड में होता है ऑक्सीजन, कीटोन में होता है ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है ऑक्सीजन, एस्टर में भी ऑक्सीजन होता है। तो एस्टर कंपाउंड को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो एस्टर क्या चीज है, तो ईस्टर होता है EASTER। ईस्टर इज एक्चुअली इट इज अ फेस्टिवल इन क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों के अंदर एक त्यौहार होता है ईस्टर डे का, वो EASTER ईस्टर होता है वो, दिस इज एस्टर EASTER। एस्टर क्या है भाई, एस्टर एक कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR, ठीक है, RCOOR दैट इज कॉल्ड एस्टर, मतलब पूरा कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह होता है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन की जगह पर रेडिकल अटैच होता है, ठीक है। कार्बोनिल के अगर एक तरफ OR आ जाए, अल्कोक्सी ग्रुप अगर एक तरफ उसके आ जाए, तो सूरत में ये कंप्लीट कंपाउंड RCOOR हमारा एस्टर बन जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के अंदर एक स्लाइटली डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस ये होता है कि इसमें कार्बोनिल के एक तरफ OH के बजाय OR लगा होता है, ठीक है, जैसे OCH3 OC2H5 कुछ भी रेडिकल अटैच होगा। नेमिंग की बात की जाए अगर इसकी कॉमन और IUPAC के अंदर, तो कॉमन नेमिंग में इसको हम लोग कहते हैं अल्काइल अल्कानोएट के लिहाज से नाम लिखते हैं, सी के अल्काइल अल्कानोएट, सॉरी अल्काइल अल्कानेट, और IUPAC में लिखते हैं अल्काइल अल्कानोएट। ओएट इसका सफिक्स होता है, दो चेन चलती है, जो राइट वाली ये वाली चेन होती है इसको हम अल्काइल में लिखते हैं, और ये वाली चेन लिखते हैं अल्कानोएट में। तो इस तरह से अल्काइल अल्कानोएट इसका नाम होता है, और जब हम कॉमन में लिखते हैं तो अल्काइल अल्कानेट लिखते हैं, और ये वाला नंबर फिर जो है वो ग्रीक नंबर सिस्टम में लिखते हैं, फॉर्मेट एसीटेट वगैरह इस तरह से करके लिखते हैं, ठीक है। तो हम जो कंपाउंड डिस्कस करना है, इस तरह एस्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, इस आर और इस आर के अंदर चेंजिंग करके वी कैन फॉर्म मेनी टाइप्स ऑफ एस्टर्स, हम बहुत तरह के कंपाउंड उसके डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं एस्टर का, दैट इज इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट को हमें डिस्कस करना है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जूसेस और ये सारी चीज़ें, प्रिपरेशन वगैरह डिस्कस करनी है। तो इथाइल एसीटेट सबसे पहले तो उसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर पहले देख लें कि ये सी डबल बॉन्ड ओ, इसके एक तरफ अच्छा इथाइल एसीटेट है ना, तो इधर पर इथाइल लगा दिया अल्काइल में C2H5, और इधर पर एसीटेट लगाने मतलब टोटल दो कार्बन लगाने, तो दो कार्बन यहाँ पर लग गए, तो CH3COC2H5, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। एस्टर है ये, अब आपको सबको दिख सकते हैं क्यों एस्टर है, क्योंकि कार्बोनिल के एक तरफ राइट साइड पे OR मौजूद है, ठीक है, अल्कोक्सी मौजूद है, तो दैट्स व्हाई इट इज एस्टर। कॉमन नेम क्या है इसका, इथाइल एसीटेट, ये इथाइल और ये एसीटेट। IUPAC में इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल ये हो रहा और ये दो कार्बन टोटल यहाँ पर है, दैट इज इथानोएट। तो इथाइल इथानोएट इसका जो है वो IUPAC हो गया, ठीक है। इससे पहले भी मैंने जो है वो चैप्टर 6 के अंदर एस्टर की नेमिंग में आपको बताया था किस तरह से नेमिंग की जाती है उसकी। कमर्शियल नेम की बात करते हैं, या ट्रिवियल नेम भी जिसको हम कहते हैं, कि कमर्शियली किस नाम से ये दुकानों में अवेलेबल होगा, तो दुकानों में ये मिलता है दैट इज पाइनएप्पल जूस के नाम से, या अनानास का रस, जो मैंने आपको बताया था कि पाइनएप्पल इज अ फ्रूट, के पाइनएप्पल का जो रस होता है उसके अंदर असल में ये कंपाउंड होता है इथाइल एसीटेट, ठीक है, जिस वजह से वो मीठे टेस्ट का होता है। तो एस्टर ज़्यादातर स्वीट टेस्ट वाले जो है वो कंपाउंड्स होते हैं, तो पाइनएप्पल जूस जो आप दुकान से जाकर लेते हो, तो असल में वो आप इथाइल एसीटेट ही ले रहे हो, तो वो दैट इज इथाइल इथानोएट इथाइल एसीटेट CH3COC2H5। तो ये कमर्शियली इस तरह से ये नेचर में एग्जिस्ट इस तरह से करता है, आप इसको एज अ कम जो है वो सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियली बना सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, कि फिजिकली क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इस कंपाउंड की, तो सिंपल है, अनानास का रस जहन में रखो और लिख दो जो जो बातें आपको पता है इसके बारे में। तो पहली बात, इट इज़ कलरलेस, कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं होता उसका, और नॉन वोलेटाइल होता है, हवा में उड़ता भी नहीं है, ठीक है, और स्वीट टेस्ट और स्वीट स्मेल होती है, मीठी खुशबू होगी, मीठा टेस्ट होगा, सिंपल है, इथाइल एसीटेट यही सब होगा।
यूजेस है, इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। इस्तेमाल कहाँ करते हैं इस एसीटेट को? तो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के प्रोडक्शन करने के लिए। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हमारा, अगर कोई ऐसी आपको कैंडी कोई ऐसी टॉफी कोई ऐसी बनानी है आपको जिसका टेस्ट पाइनएप्पल जैसा होगा, तो आप जाहिर सी बात है कि पाइनएप्पल के मतलब कि अगर आप पाइनएप्पल के नॉर्मली नेक्टर को इस्तेमाल कर लो तब भी आप बना सकते हो, नहीं तो ज़्यादा इजी और ज़्यादा सस्ता तरीका तो ये है कि इथाइल एसीटेट को आप कंपनी में फॉर्म करके उसको मिक्स कर दो टॉफी के साथ, तो उसका टेस्ट पाइनएप्पल जैसा हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं ना वो टेस्ट होता है असल में किसका, उस कंपाउंड का। जैसे पाइनएप्पल के अंदर इथाइल एसीटेट है ना, इस तरह से हर फल के अंदर एस्टर कोई ना कोई होता है जिसको मीठा टेस्ट दे रहा होता है। अब आप नेस्ले का कोई भी आप फ्रूटा वाइटल्स या डिफरेंट और नेक्टर्स आप यूज़ कर रहे होते हैं अगर, और आपको ये लगता है कि जैसे कि कंपनी वाले ने क्या किया भाई मैंगो ही जो है वो निचोड़ कर जो है उसको डाल दिया उसके अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी भूल है, ये आपकी खुशफहमी है। गर्मी का मौसम, सर्दी में फिर कैसे आ रहा है भाई, ये सर्दियों में भी आप जाओ मैंगो का मिल जाएगा, इतनी ठंड में कैसे मिल रहा है, आम तो है नहीं दुनिया में, तुमने कैसे बना लिया। तो एक्चुअल में वो केमिकल है असल में, वो एस्टर है डिफरेंट तरह के जो वो फ्लेवर्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर। दुनिया में हर टाइप का फ्लेवर है, अभी चिप्स खरीदने जाओ, चिप्स खाने जाओ, बोलो यार चिकन फ्लेवर के चिप्स चाहिए, वो डाल लेगा वो पाउडर चिकन चिकन लगेगा, चिकन थोड़े चिकन पाउडर है वो, हर चीज़ के पाउडर दुनिया में अवेलेबल है, हर चीज़ है ना, सिंपल सी बात है। तो एस्टर्स क्या है कि वो फ्लेवर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, फूड फ्लेवर या फूड कलर भी जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब इसलिए कहते हैं ना कि बहुत बहुत बेहतर ये है कि आप बजाय इसके कि आप जो है वो जूस वगैरह को डब्बे में खरीद कर पीने के बजाय आप उसको क्या करो, आप उसको घर पे खुद ही जो है फ्रेश जूस में प्रिपेयर करो, ये ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर्स भी इसी का मशवरा देते हैं बनिस्बत इसके कि आप जाकर मार्केट से एक डब्बे वाला जूस खरीद कर लो। समझ में आ गई बात, ये तो यूजेस बता रहा था। नाउ प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर इट, कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि आपको पता है एस्टर को बनाने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए एस्टर्स को बनाया जाता है, और एक दो नहीं तीन चार बार हम इस प्रोसेस को पढ़ चुके हैं। एस्टरीफिकेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसके नतीजे में एस्टर और वाटर की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी ले लो, किसी भी अल्कोहल के साथ मिक्स कर दो और थोड़ा सा एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होना शुरू हो जाते हैं और एस्टर की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ओके, सो एस्टरीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एस्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। एस्टर्स को बनाया जाता है, और एस्टर्स को कैसे बनाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने से क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एस्टर की फॉर्मेशन होती है। अब हमें अगर यहाँ पर इथाइल एसीटेट की फॉर्मेशन करनी है तो हमें यहाँ पर एसिटिक एसिड लेना पड़ेगा, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में, और अल्कोहल में हमें लेना पड़ेगा इथाइल अल्कोहल। एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिटिक एसिड एज एन एसिड बिहेव करेगा, प्लस चार्ज अपना यहाँ से निकाल देगा, इथाइल अल्कोहल एज अ बेस बिहेव करेगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, प्लस वाला माइनस से मिलेगा, माइनस वाला प्लस से मिलेगा, ठीक है। ये बन जाएगा CH3COCl2H5 इथाइल एसीटेट, और वाटर सेपरेट हो जाएगा। तो बस यही एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एस्टर्स को बना सकते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एसिडिफिकेशन, ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि केमिकल रिएक्शंस किसके भाई, एस्टर के दो तरह के केमिकल रिएक्शंस करता है, ठीक है, जो एस्टर होता है। पहले चीज़ तो ये हाइड्रोलिसिस करता है। हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं, हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। अब हाइड्रोलिसिस जो कर सकता है तो दो तरह से ये कर सकता है, ये एस्टर एसिडिक मीडियम में भी कर सकता है, बेसिक मीडियम में भी कर सकता है, दोनों मीडियम में कर सकता है, एसिड के प्रेजेंस में भी, बेसिक मीडियम में भी, और दोनों में क्या होता है प्रोडक्ट अलग अलग निकलता है। अगर एसिडिक मीडियम में अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे किसके, एस्टर की, तो क्या होगा कि यही जो रिएक्शन है ना, आपको पता है ये जो रिएक्शन एसिडिफिकेशन का रिएक्शन होता है, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में फर्स्ट ईयर चैप्टर्स केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर उन्होंने पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट भी बन जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो बैकवर्ड भी आ सकता है, अगर इन दोनों का, अगर जाहिर सी बात है कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर दें, मतलब एस्टर का वाटर के साथ रिएक्शन कर दें एसिडिक मीडियम में हाई टेंपरेचर पर, तो क्या होगा, ये रिएक्शन वापस हो जाएगा, वापस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज की हो गई। क्यों रिवर्स कर दें, चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड्स भी, रिवर्सिबल रिएक्शन को दोनों तरह से लिखा जा सकता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट साइड, कैसे भी कर दो, चूंकि वो तो दोनों ही बन रहा होगा ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम रीच कर गई होगी उसके अंदर। सेकंड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम, कि बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगी तो वो किस तरह से होगा। बेसिक मीडियम से मुराद किसी बेस की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस करें तो। अच्छा, इस सूरत में जब ये रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को खास नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। चैप्टर 10 के अंदर केमिस्ट्री ऑफ लाइफ में भी इसको हम डिस्कस करेंगे, और ये आप जो प्रैक्टिकल होते हैं सेकेंडरी उसमें केमिस्ट्री में, तो उसमें लैब में भी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है,
इसका उसे सेपोनिफिकेशन कहते हैं। सेपोनिफिकेशन कौन सा प्रोसेस होता है, आगे डेफिनेशन लिखी मैंने, द प्रोसेस बाय विच सोप्स आर मेड, वो अमल, वो प्रोसेस, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें साबुन बनाया जाता है, तो साबुन बनाने का अमल सेपोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, सेपोनिफिकेशन वर्ड भी सोप से निकला हुआ है। ठीक है, जैसे एसिडिफिकेशन में एसिड बनता है तो सेपोनिफिकेशन में सोप बनता है, तो सोप बनाने का अमल साबुन बनाने का अमल कहलाता है, दैट इज सेपोनिफिकेशन। और सेपोनिफिकेशन में क्या होता है, एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस की जाती है किसमें, बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है, अब एस्टर यहाँ पर, अच्छा साबुन जो घरों पर साबुन यूज में होता है उसमें एस्टर जो है ना लॉन्ग चेन वाले एस्टर्स होते हैं, स्टेरिक एसिड वाले और पाल्मिटिक एसिड वाले, मतलब लॉन्ग चेन जो लास्ट टाइम मैंने बताया, तो उसके एस्टर्स होते हैं बड़े बड़े चेन वाले, ये छोटे चेन वाले नहीं होते, बट लगभग जनरल रिएक्शन कुछ इसी तरह का होता है। ठीक है, और जो लॉन्ग चेन वाले एस्टर्स होते हैं उन्हीं को फैट्स वगैरह फिर हम कहते हैं, पीछे हम डिस्कस कर चुके। तो हाइड्रोलिसिस करा जाएगा बेसिक मीडियम में, तो जब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो होगा क्या कि इसमें बेस से रिएक्शन कर जाएगा कि ये इथाइल एसिटेट है, इसका बेस रिएक्शन होगा, वाटर इस बार एरो के ऊपर लिख देंगे। देखो जब एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो वाटर को हम रिएक्टेंट में लिखते हैं और एसिड को हम लिख देते हैं मतलब एरो के ऊपर। अगर बेसिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो सूरत में क्या किया जाता है कि बेस को हम लिख देते हैं इसमें रिएक्टेंट में और वाटर को हम लिख देते हैं एरो के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वरना तो वही कंपाउंड बन जाएगा जो पहले बना था। तो क्या होगा कि सेम अब रिएक्शन, वही डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, या एसिड बेस्ड रिएक्शन आप उसको कह लो कि C2H5 प्लस होगा, एसीटेट माइनस हो गया, Na प्लस OH माइनस, CH3CWNA के साथ मिला, C2H5OH के साथ मिला, तो क्या बना, CH3CWNA दैट इज सोडियम एसीटेट और उसके साथ बना इथाइल अल्कोहल। इसी सोडियम एसीटेट को ही RCWNA इस जनरल फॉर्मूले पे सोप्स या साबुन के फॉर्मूले होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं ना असल में, वही असल में सोप होते हैं। आपके घर पे भी जो भी सोप या साबुन पड़ा है वो इसी तरह के किसी फॉर्मूले की सूरत में होगा, RCWNA की सूरत में। ये सोप्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, फिर मैंने बताया कि एस्टर्स की जब हाइड्रोलिसिस की जाएगी बेसिक मीडियम में, ये कह लो कि एस्टर का जब किसी बेस से स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराया जाएगा, NaOH से भी हो सकता है, KOH से भी हो सकता है, दोनों से हम कर सकते हैं, दोनों से हम साबुन बना सकते हैं, सोप बना सकते हैं। लैब में आप टेस्ट ट्यूब में साबुन को बनाओगे भी, टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर प्रैक्टिकल हो सका तो ठीक है, वरना साबुन की सूरत में उसको बनाया जाता है, हर बच्चा बनाता है कराची का जब प्रैक्टिकल्स होते हैं कॉलेज में। तो अब इसमें ये चीज है कि इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम डिस्कस कर लें एस्टर्स की, तो क्या होता है कि इसके साथ ही जो है वो दैट चैप्टर 9 विल बी फिनिश्ड आफ्टर द टॉपिक ऑफ एस्टर। ठीक है, सो इस तरह चैप्टर 6 और 7 और 8 और 9, दिस फोर चैप्टर्स आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन योर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कोर्स विच वी हैव फिनिश्ड टोटली इन एवरीथिंग। तो विदाउट रिड्यूस कोर्स मैंने इसको सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो अब ये तमाम ही के तमाम ही लेक्चर्स जो है वो मैंने जो है वो YouTube पे भी अपलोड किए हैं, तमाम लेक्चर्स चैप्टर 6, 7, 8, 9। ठीक है, और एक बहुत अच्छा रिस्पांस होता है स्टूडेंट्स को ऑल ओवर कराची मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास वीडियोस पर, कि चूंकि जाहिर से बात है कि मैंने बेसिक वे ऑफ आपको मेथडोलॉजी बताई है ऑर्गेनिक को समझने की रिएक्शंस को, ताकि एक जो इम्पॉसिबल सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है कराची के स्टूडेंट्स के लिए, वो आपके लिए इजी बन के आपके सामने आए और आप एक कॉन्सेप्चुअली उसको आप समझ सको, ना कि सिर्फ पढ़ना। तो देखा जाए तो उसमें कोई कैलकुलेटर नहीं चलाना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई डायग्राम नहीं बनाना, जस्ट इसमें रिएक्शंस हैं, और रिएक्शंस में बच्चों की जाहिर सी बात है उसमें उनको डर लगता है। तो इसी हवाले से मैंने उसमें डिस्कस किया कि किस तरह से हम रिएक्शंस को मैकेनिज्म वाइज समझ सकते हैं और किस तरह से एक रिएक्शन आपको बता रहा होता है खुद के मैं क्या बनने वाला हूँ और मैं किस कंपाउंड में कन्वर्ट होने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और बहुत सारे रिएक्शंस चैप्टर 9 के अंदर तो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो फाइनली बस ये चीज़ थी आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया।